हेलो मध्य प्रदेश, नई सोच नया अंदाज। जबेरा नगर के समीपस्थ ग्राम पुरनेयाऊ स्थित कालीमठ आनंद धाम प्रांगण में फलदार पौधारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी, तहसीलदार अरविंद यादव, थाना प्रभारी कमरेश तिवारी, सांसद प्रतिनिधि रूपेश सेन, राजेश सिंघई, जुगल शर्मा, राजेंद्र जैन, संजय जैन, सुरजीत सिंह ठाकुर, आनंद तिवारी, नारायण शर्मा, मयंक जैन की विशेष उपस्थिति में फलदार पौधों का पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर आनंद धाम के संस्थापक स्वामी रंजितानंद महाराज ने कहा कि वृक्ष मनुष्यों को फल और छाया के साथ जीवन भी प्रदान करते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए महाराज श्री ने कहा कि मनुष्य के बढ़ते हुए मोह ने वृक्षों की अंधाधुंध कटाई किए जाने का दुष्परिणाम भी सामने आया है और आज संकट से जूझ रहा है। यदि लोगों ने वृक्षों की सुरक्षा के साथ साथ पौधा लगाकर वृक्ष तैयार नहीं किए तो लोग ऑक्सीजन के लिए तरस जाएंगे। मनुष्य पानी के बिना कुछ समय जीवित रह सकता है, लेकिन वृक्षों के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। वहीं स्वामी रंजितानंद महाराज ने उपस्थित लोगों को पौधारोपण करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि जिस प्रकार मनुष्य दो संतान की प्राप्ति की इच्छा करता है, वैसे ही मानव को अपने जीवन काल में कम से कम दो पौधे रोपित कर वृक्ष जरूर तैयार करने चाहिए, ताकि मानव के अस्तित्व को बचाने के लिए पर्यावरण का संतुलन बना रहे। अतो हम विश्वरूपांतम नमामि जगदम्बे। आज श्री आनंद धाम परिवार की ओर से आनंद धाम मंदिर परिसर में जो वृक्ष है, पौधों का जो रोपण किया गया है, वृक्ष लगाने का यही उद्देश्य है और जन जन तक ये उद्देश्य मेरा जाए, मैं यही आशा करता हूँ। वृक्ष एक परम संत है जो खुद कष्ट पाकर के संसार के जीवों को, संसार के लोगों को, संसार के मार्गों को सुख समृद्धि, स्वास्थ्य, फल, जीवन और छाया सबको देने वाला ऐसा संत अद्वितीय है, उससे बड़ा कोई संत नहीं है। वृक्ष है संसार में तो हम सब सुरक्षित हैं, हमें जो स्वास्थ्य मिल रही है वो वृक्षों की देन है। आज हम देख रहे हैं कि वृक्षों की संरक्षा कम होती जा रही है, जंगल कटते जा रहे हैं, वृक्ष, सरकार तो बड़े बड़े प्रयास कर रही है कि हमारी भूमि हरी भरी हो, हर जगह वृक्ष हो, लेकिन कुछ लोगों को खंडन भी कर रहे हैं, काट रहे हैं उन वृक्षों को। तो मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति कम से कम, जैसे लोग चाहते हैं कि हमारे घर में एक पुत्र हो, दो पुत्र हो, तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे वो कल्पना करते हैं कि हमारे घर में भी एक पुत्र हमारी गोद में, हमारे आंगन में खेले, इसी प्रकार उन व्यक्तियों को ये संदेश लेना चाहिए, जैसे हमें पुत्र की आवश्यकता है, वैसे हमारे घर में कम से कम दो विशाल वृक्ष होने भी अनिवार्य है। क्योंकि वृक्ष है तो सब कुछ है और वृक्ष नहीं है तो कुछ नहीं है। जैसे जल है तो जीवन है, अन्न है तो जीवन है, ठीक इसी प्रकार मैं एक बात और कहता हूँ कि जल के बगैर, अन्न के बगैर हम कुछ समय तक सांस ले सकते हैं, जीवित रह सकते हैं, लेकिन अगर वृक्ष नहीं रहेंगे तो हम 10 मिनट भी अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वही जीवन का साकार है और वही जीवन का एक विशेष बिंदु है।